आज की रेसिपी की तरफ से आप सभी लोगों को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आलू की बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी। तो आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नए तरीके की आलू की रेसिपी बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए थे टमाटर, जिनको मैंने बीच से लगा दिया है कट, ताकि अंदर से भी अच्छी तरीके से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए पालक, जीरा, दो खड़ी लाल मिर्च, इन सबको मैं पानी डालकर यहाँ पे अच्छे से उबाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे उबालने के लिए इसे कवर करके रख दे रही हूँ। और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें जो है टमाटर की लेयर को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने फिर से इसमें लगा दिया है कवर। तो यहाँ पे दो मिनट के बाद मैंने खोल के देख रही हूँ, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। टमाटर का छिलका भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। फिर मैं गैस के फ्लेम को कर दे रही हूँ बंद। इसके बाद मुझे इसके पानी को निकाल कर अलग कर लेना है, इसलिए मैं इसे छन्नी से छान कर इसे मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि इसका जो पानी है ना वो हमारी रेसिपी में काम आने वाला है, इसलिए मैं इसे छान कर अलग कर ली हूँ। तो जब तक ये सारी चीज़ें हमारी ठंडी होंगी ना, और इधर तब तक मैंने यहाँ पे ले लिए थे छोटे साइज़ के आलू। तो यहाँ पे आपको भी इस रेसिपी को बनाने के लिए छोटे वाले आलू को लेना है, जिसको मैंने उबाल कर छील कर दो पार्ट में कट कर लिया था। इसके बाद मैंने पैन लिया, पैन में डाल दिया है सरसों का तेल। इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ तेजपत्ता और राई, और इन दोनों को मिला दूँगी अच्छे से। और जब तक हमारी राई चटक जाएगी ना, इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज और रफली कट करी हुई हरी मिर्च। और इसको मैं एक से दो मिनट तक मिलाते हुए इसे कुक करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ बॉयल किए हुए मटर। मटर मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मटर मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसे जो है फ्राई होने के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कवर हो अच्छे तरीके से फ्राई हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाल दिया है करी पत्ता। करी पत्ता मैं मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे हर रेसिपी में मैं डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ छोटे छोटे आलू को, जो कि मैंने कट करके रखे हुए थे, क्योंकि मुझे इसको बहुत अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों के साथ में इसे मिक्स करके फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये हमारे आलू इधर फ्राई होंगे ना, तब तक हमारा ये मटेरियल जो था ये सब कुछ ठंडा हो चुका है। फिर मैं इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से इसका थिक सा पेस्ट बना कर तैयार कर लूँगी। तो जो कि हमारा जो है यहाँ पे पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमारा थिक सा पेस्ट बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। तो ये रेसिपी ना जो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनके तैयार होती है। और आलू तो वैसे सबके फेवरेट होते हैं, आपके हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारे आलू हो चुके हैं फ्राई, तो मैं इसको एक बाउल में निकाल कर रख ले रही हूँ। इसके बाद मैंने पैन में डाल दिया है फिर से तेल, और तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अब कुछ सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अब ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके पानी डालकर मैं इसे जो है एक मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। और देखिए, जब मैंने खोल के देखा तो हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से कुक हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पेस्ट, और इस पेस्ट को भी मैं इन मसालों के साथ में अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी। और ये मिक्स करने के बाद मैं इसे भी जो है कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। कम से कम एक से दो मिनट तक मैं इसे कुक होने दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दे रही हूँ। अब एक से दो मिनट तक मैं इसे पकने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, और सारे मसालों के साथ में हमारा पेस्ट भी अच्छी तरीके से कुक हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ आलूओं को, जो कि मैंने फ्राई करके रख लिए थे, और इनको भी मैं अब इसके साथ में मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसे भी एक मिनट तक कुक होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अब कवर लगा दे रही हूँ। अब एक मिनट के बाद जब मैं इसे खोल के देख रही हूँ, तो हमारी ये जो आलू है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मसालों के साथ में कुक हो चुके थे। और
जितने अच्छे लग रहे हैं ये आलू आपको देखने में, उससे कई गुना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब आलू को इस तरीके से बनाओ। अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद नहीं है, सूखी ही पसंद है, तो आप गैस के फ्लेम को यहीं पे बंद कर दें और इसे पूरी पराठा रोटी के साथ सर्व करें। बट मुझे यहाँ पे चावल के साथ खाना था, इसलिए मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी को ग्रेवी वाली बना रही हूँ। इसलिए मैंने उसी पानी को यूज़ किया जो मैंने छान कर निकाल कर अलग से रख लिया था। तो अब मैं आलूओं को इनके साथ में अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं अब लास्ट में डाल दे रही हूँ गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी, जिसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसे कवर कर देंगे और जब तक हमारा एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी में जो है उबाल आने लगा है, तो फाइनली यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो चुकी है। तो गैस के फ्लेम को हम इस यहाँ पे बंद कर देंगे और हमने इसमें धनिया पत्ती से गार्निश कर दिए। तो ये सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार आलू की सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर करें, और अगर आप लोगों ने एक बार इसे ट्राई कर लिया ना और खा लिया, तो आप लोग इसके आगे मटर मशरूम जैसी सारी सब्ज़ियाँ फेल हो जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि हमारी आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।